विश यू अ वेरी हैप्पी नवरात्रि गाइस। और इस नवरात्रि स्पेशल में आज मैं आप लोगों के लिए व्रत की बहुत ही ज्यादा टेस्टी सी रेसिपी लेकर के आए हूँ। ये वही साबुदाना है जिससे आप नॉर्मली खिचड़ी या खीर बना करके अगर खाते खाते बोर हो गए हैं, तो आज मैं इसकी बहुत ही अलग सी रेसिपी लेकर के आए हूँ जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होगा, खाने में बहुत ही मजेदार, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसे बनाने के लिए बहुत ही कम तेल की जरूरत पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। व्रत में खाई जाने वाली साबुदाना की अलग सी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैन लेंगे और इस पैन में मैं मूंगफली डालूंगी। मूंगफली मैंने यहाँ पे हाफ कप लिया है और इसे अच्छी तरीके से हमें भून लेना है। मूंगफली को भूनते समय फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से रोस्ट करूंगी ताकि मूंगफली अच्छे से भून जाए। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, यानी हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। जब हल्का सा इसमें से चिटकने की आवाज़ शुरू हो जाए या बीच में से ये क्रैक हो जाए तो आप समझ जाइए कि मूंगफली भून गई है। और ये देखिए मूंगफली बहुत ही अच्छी तरीके से भून गई है, बीच में से हल्का हल्का क्रैक भी आ गया है और इसमें से चिटचिट की आवाज़ भी आनी शुरू हो गई है। तो इस स्टेज पर मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लूंगी। मूंगफली को हमें अच्छी तरीके से ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद मैं इसका स्किन निकाल लूंगी। और ये लीजिए मूंगफली हमारी अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है और मैंने इसका स्किन भी निकाल लिया है। तो अब मुझे इसे दरदरा ग्राइंड करना है, आप चाहें तो इसे फाइन पाउडर भी बना सकते हैं। और ये लीजिए मैंने यहाँ पे मूंगफली को कुछ इस प्रकार से पाउडर फॉर्म में बदल लिया है, हल्का सा दरदरा है ताकि मुंह में जब आता है इसका क्रंचीनेस तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस में आप देख सकते हैं मैंने लिया है साबुदाना। ये वही साबुदाना है जिससे आप खिचड़ी बनाते हैं या फिर आप कभी कभी खीर बना लेते हैं व्रत के लिए। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल वाला साबुदाना लिया है। अगर आपको मार्केट में छोटा वाला साबुदाना मिलता है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे बड़ा वाला साबुदाना मिला इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो इसे मैंने भिगो करके रख दिया था लगभग 4 से 5 घंटों के लिए और ये एकदम अच्छी तरीके से फूल गया है। आप देख सकते हैं इसका एक एक दाना खिला है। तो अगर आप इसे खिचड़ी बनाते हैं या फिर खीर बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। बट आज मैं इसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा व्रत वाला नाश्ता बनाने वाली हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे बनाना है। हमें इसे करना है ग्राइंड। ग्राइंड करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप इसका दाना देख सकते हैं, मैं अपने हाथों से मसल रही हूँ बहुत ही आसानी से। ये आप देख सकते हैं मसल दिया मैंने, तो यानी कि हमने एकदम परफेक्टली इसे अच्छी तरीके से भिगोया है, बिल्कुल भी बीच में दानेदार नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इसे ग्राइंड करूंगी। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज का मिक्सर जार लिया है, इसमें मैं इसे ऐड करूंगी। तो अब मैं इसमें मेजरिंग कप से 1 कप पानी ऐड करूंगी। पानी डालने के बाद अब मैं इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप ग्राइंड करेंगे तो अगर आपको और भी पानी की जरूरत पड़े तो आप थोड़ा सा और इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और ये लीजिए गाइस, साबुदानों को मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है, कुछ इस प्रकार से थिक पेस्ट बनना चाहिए। मैंने इसमें 1/2 कप पानी और ऐड किया था, तो टोटल मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाल करके अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इस मिक्सचर को एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो फाइनली हमने यहाँ पे साबुदानों को एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है और अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक बोल में लगभग 3 आलू को अच्छी तरीके से उसका स्किन निकाल करके भिगो करके रख दिया था और अब मुझे इन आलू को अच्छे से ग्रेट करना है ताकि हम इसे बहुत ज़्यादा टेस्टी बना सके। आप चाहे तो उबले हुए आलू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन कच्चे आलू से बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कच्चे आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हम इसे ग्रेटर के सहारे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। और ये लीजिए आलू को मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। तो अब मैं इसे 2 से 3 बार धो लूंगी ताकि इसका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। आलूओं को धोने के बाद मैंने इसका पानी अच्छे से स्क्वीज करके इसे बोल में ट्रांसफर कर दिया है। तो अब हम मेन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो अब हम सेम बोल में सारे मिक्सचर को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें दरदरी पीसी हुई मूंगफली ऐड करूंगी। उसके बाद हम इसमें साबुदाना का पेस्ट ऐड करेंगे और अब मैं इसमें व्रत में खाए जाने वाले कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करी बारीक कटी हुई हरी मिर्च लगभग 1/2 टीस्पून के करीब। साथ ही में हम इसमें बारीक कटा हरा धनिया ऐड कर देंगे। नमक डाल देंगे हम इसमें स्वाद के अनुसार, हमने यहाँ पे सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब। जीरा पाउडर ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आरारोट पाउडर। आरारोट पाउडर शकरकंद का स्टार्च होता है जो व्रत में खाया जाता है, तो आप इसे बिना चिंता किए या बिना किसी फिक्र के आप डाल सकते हैं क्योंकि ये शकरकंद का पाउडर होता है। तो लगभग 2 बड़े चम्मच हम इसमें आरारोट पाउडर ऐड करेंगे।
अरारोट पाउडर डालने के साथ साथ आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और दही भी ऐड कर सकते हैं। मैं इन दोनों चीज़ों को स्किप कर रही हूँ और अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे मिक्स करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो मैं इसे एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ ताकि इसे आसानी से मिक्स कर सकूं। बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं जल्दी से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा नाश्ता बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है और इस पैन में हम 2 चम्मच के करीब ऑयल ऐड करेंगे। 2 बड़े चम्मच हमें ऑयल ऐड करना है। यहाँ पर आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घी भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल को हमें अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा मैं इस पर तैयार किया हुआ मिक्सचर ऐड कर दूँगी। फ्लेम को मैंने यहाँ पर स्लो रखा है और मिक्सचर डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से चारों तरफ फैला दूंगी। ये देखिए कुछ इस प्रकार से एकदम ऊपर से प्लेन कर लेना है हमें। मिक्सचर को ऊपर से अच्छी तरीके से फ्लैट करने के बाद मैंने इसे चारों तरफ अच्छे से फैला लिया है और अब मैं यहाँ पे स्लो फ्लेम पे लगभग 12 से 13 मिनट के लिए इसे अच्छी तरीके से ढक करके पकाऊंगी ताकि नीचे का जो बेस है वो अच्छी तरीके से क्रिस्प हो जाए, पक जाए। उसके बाद मैं इसे फ्लिप करूँगी। तो आइए मैं इसे ढक देती हूँ और 12 से 13 मिनट बाद मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगी। साबूदाने के मिक्सचर को पकते हुए लगभग 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। तो आइए अब मैं इसे चेक करके आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए गाइस, बहुत ही अच्छी तरीके से नीचे से पक गया है और एक क्रिस्प हो गया है। साइड साइड से आप देख सकते हैं इसने पैन को छोड़ दिया है। तो अब मैं इसे फ्लिप करूँगी। तो फ्लिप करने से पहले मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करूँगी, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। और अब मैं इसे फिर से दूसरी तरफ से भी पका लूँगी। हमें इसमें फिर से कोई भी ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए गाइस, एक तरफ से अच्छी तरीके से सिक गया है, हल्का सा क्रिस्प हो गया है। तो अब मैं इसे हल्का सा इस प्रकार से प्रेस करते हुए दूसरी तरफ से भी सेक लूँगी। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है और फिर से मैं 10 मिनट के लिए दूसरी तरफ से भी सेक लेती हूँ इसे। साबूदाना के मिक्सचर को सिकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो आइए मैं इसे भी पलट लेती हूँ। तो इसे भी मैं सेम बर्तन में ही ट्रांसफ़र करूँगी। और ये देखिए गाइस, दूसरी तरफ से भी बहुत ही अच्छे से सिक गया है। तो अब मैं फिर से इसे पैन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। मैं इसे पैन में इसलिए ट्रांसफ़र कर रही हूँ क्योंकि पहले साइड को जो मैंने पकाया था वो उसका कलर हल्का सा लाइट है, तो मुझे हल्का सा डार्क करना है। तो मैं इसे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे सेक लूँगी ताकि उसका भी कलर हल्का सा डार्क हो जाए। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी दिख रहा है और इसे बनाना बहुत ही आसान है गाइस। हल्का सा ये पिज़्ज़ा की तरह दिख रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए। सो फाइनली साबूदाना का ये नया नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। तो मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करती हूँ। तो गाइस, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। मैं इसे दही के साथ सर्व करूँगी। आप चाहें तो धनिया और पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं जो व्रत में खाई जाती है। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग गोल्डीज किचन। बाय बाय फ्रेंड्स, मैं जल्दी मिलूंगी आपके लिए और भी नई नई इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर के। तब तक के लिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ और आप देखते रहिए गोल्डीज किचन। बाय बाय।